आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ये ट्वीट किया। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि लीडर सदैव आगे रहकर नागरिकों को राह दिखाते हैं, आप एक सच्चे लीडर हैं, हर चुनौती में आपने देश की अगुवाई की। तो तारीफ इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और कहा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में देश एक नए आत्मविश्वास से भर गया, देशवासियों को आपने आज पुनः नई प्रेरणा से भरा है, स्वस्थ भारत के निर्माण को और भी गति दी है, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो आपको बता दें कि आज दूसरा चरण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है, इसी को लेकर ये ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पुडुचेरी में टीका लगवाया, कोरोना वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई और उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, जमकर तारीफ की और कहा कि लीडर सदैव आगे रहकर नागरिकों को राह दिखाते हैं और आप एक सच्चे लीडर हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवा कर की है। पीएम ने आज सुबह दिल्ली एम्स में वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने असाधारण काम किया है। इसके साथ ही मोदी ने सभी योग्य लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि हमें साथ मिलकर देश को कोरोना मुक्त बनाना है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने मोदी को वैक्सीन लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई है और पहली डोज उन्हें लगी है। दिल्ली एम्स में पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया, पुडुचेरी की नर्स ने उन्हें ये टीका लगाया है।